Subscribe and press the bell icon to get the notification for our latest videos. हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल द होम किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जोधपुरी मिर्ची बड़े की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान के फेमस मिर्ची बड़े। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉच आउट द कम्प्लीट वीडियो टू मेक परफेक्ट मिर्ची बड़े इन जोधपुरी स्टाइल। यहाँ पर मैंने दो बड़े आलू बॉईल करके छील करके ले लिए हैं। एक बड़ा प्याज ले लेंगे बारीक काट कर, फ्रेश धनिया, एक छोटा अदरक ग्रेट करके ले लें, दो हरी मिर्च बारीक काट करके ले लेंगे। और मिर्ची बड़े के लिए बड़ी मिर्च, खड़े मसाले रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून जीरा। गैस ऑन कर लेते हैं। मसालों को हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, यानी धीमी आंच पर भून लेंगे। लो फ्लेम पर रोस्ट करने से मसालों में अच्छी खुशबू बनी रहेगी और मसाले जलेंगे नहीं। मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें ठंडा करके मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। आलू मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने दूसरा पैन ले लिया है। पैन में 1 सर्विंग स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद इसमें कटी हुई ग्रीन चिली डाल देंगे और साथ ही में ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देते हैं और डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। सभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ऑनियंस को हम एकदम सॉफ्ट नहीं करेंगे, प्याज थोड़ी फ्राई हो गई है। अब मसाले डाल देंगे, रोस्ट किया हुआ मसाला पाउडर, सॉल्ट एज पर द टेस्ट, 3/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टेबलस्पून रेडीमेड गरम मसाला, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर तक फ्राई ना करें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। दोनों आलू को मैंने ऑलरेडी मैश करके रख दिया था। आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में हरा धनिया भी डाल देंगे। मिक्स इट वेल। मिर्ची बड़े के लिए आलू का मसाला रेडी है। मसाले को ठंडा होने देते हैं। तब तक हम बेसन का घोल बना लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया है। इसमें 1 कप बेसन डाल देंगे। वन फोर टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार एंड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। इससे मसाले और सोडा बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम पानी डालकर बेसन का थिक बैटर बनाएंगे।
पानी हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो बैटर में लम्स आ सकते हैं और बैटर पतला भी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये बेसन का घोल तैयार हो गया है, इसी कंसिस्टेंसी का घोल हमें बनाना है। अब हम ग्रीन चिली ले लेंगे। मिर्ची बड़े के लिए हमें बड़ी और मोटी मिर्च लेनी है। मिर्च में हम नाइफ से कट लगा लेंगे, एक तरफ से कट कर लेंगे जिससे कि मिर्च में मसाला भरा जा सके। आलू का मसाला ठंडा हो गया है, मसाले को हम मिर्ची में भरेंगे। अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो आप ये मिर्ची के अंदर के सीड्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे मिर्ची बड़े बहुत स्पाइसी लगते हैं। मसाले को मिर्ची के अंदर अच्छे से स्टफिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने सारी मिर्च स्टफिंग करके रेडी कर ली है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करके ले लिया है। अब हम ये आलू स्टफ्ड मिर्ची को बेसन में डिप कर लेंगे। बेसन को मिर्ची पर अच्छे से कोट करें, मतलब कि पूरी मिर्च पर बेसन का कोटिंग होना चाहिए। बट इसे ऑयल में डालने से पहले थोड़ा सा रोक लेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा बेसन का कोटिंग है वो बाउल में ही आ जाएगा। अब मिर्ची को धीरे से गरम ऑयल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर मिर्ची बड़े फ्राई कर लेंगे। मिर्ची बड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे और फ्राई नहीं करना है। मिर्ची बड़े को ऑयल से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे मिर्ची बड़े तल लेंगे। मिर्ची बड़ाज आर रेडी टू सर्व। ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। एंजॉय जोधपुरी मिर्ची बड़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।